आइडल गैस है जिसमें मोलर हीट कैपेसिटी सी है, सी है, और आपको निकालना है सी की वैल्यू निकालनी है, और ये टेम्परेचर का रिलेशन गिवन है, टेम्परेचर वॉल्यूम के साथ ऐसे चेंज हो रहा है, ये कौन सा ही प्रोसेस है पता ही नहीं है, तो पॉलीट्रॉपिक भी नहीं है, ये तो पॉलीट्रॉपिक भी नहीं है, क्योंकि पॉलीट्रॉपिक की कम से कम इक्वेशन तो ढंग की है, पीवी रेज़ टू पावर एक्स इज़ अ कांस्टेंट, ये तो वो भी नहीं है। तो जब ये कुछ नहीं है और आपको सी निकालना है तो आपको डेरिवेशन ही करनी पड़ेगी फिर से फर्स्ट लॉ की, जैसे पॉलीट्रॉपिक का प्रूफ किया था ना, उसमें से सी बाहर आया था, कैसे आप फर्स्ट लॉ लगा दें, फर्स्ट लॉ में आपको सी निकालना है तो यहां पर क्या पुट करेंगे, एन सी डी टी, और सी डी यू में एन सी वी डी टी, और वर्क डन पी डी वी, तो मेरे को क्या निकालना है इसमें, सी निकालना है, ये क्वेश्चन है, तो ऑब्वियसली कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी मेरे को इसमें, तो ये एज इट इज, ये एज इट इज। अब डी वी, प्रॉब्लम ये है कि मैं ये चाहता हूं कि डी टी डी टी डी टी क्या हो जाए, कैंसिल, पर प्रॉब्लम ये है कि यहां पर तो डी टी है, यहां पर डी टी नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम डी वी का डी टी बना लेते हैं, कैसे, ये मैथ्स का स्टेप है, आपको कोई ना कोई इक्वेशन तो गिवन होगी टेम्परेचर वॉल्यूम की, जैसे गिवन है, आप एक काम करें, इस इक्वेशन में आप दोनों तरफ को टेम्परेचर से क्या कर दें, डिफ्रेंशिएट कर दें, तो डी बाई डी टी डी बाई डी टी, तो ये तो वन हो जाएगा, यहां से टी नॉट बाहर आ गया, तो जब यहां से टी नॉट की वैल्यू बाहर आएगी, ये देखो, तो इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, यहां से टी नॉट बाहर आएगा तो क्या बचेगा, डी बाई डी टी ऑफ ई रेज टू पावर एल्फा वी, तो मुझे पता है डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर एल्फा वी इज इटसेल्फ ई की पावर एल्फा वी, तो ये जो डिफरेंशिएशन का रूल है, और इनटू डी बाय डी टी ऑफ एल्फा वी, फर्दर डेरिवेटिव भी होता है, पावर को भी डिफरेंशिएट करना पड़ता है, तो यहां से क्या आएगा, टी नॉट ई रेज टू पावर एल्फा वी, एल्फा बाहर आ गया और एंड में क्या बचा, डी वी बाय डी टी, डी वी बाय डी टी, ये इसका कैलकुलस का स्टेप है, पर आपको मैथ्स के टीचर सिखाई देंगे, मैं कह रहा हूँ आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, और मेडिकल में तो आएगा नहीं, तो कहने का मतलब मैंने इसे डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करके डी वी और डी टी में डी टी लेफ्ट साइड चला गया, तो मैंने डी वी को डी टी की फॉर्म में निकाल लिया, तो ये पूरी टर्म इसके नीचे चली गई, जब पूरी टर्म नीचे गई तो ये टर्म देखी हुई है, ये री टी, इस पूरी टर्म की जगह क्या रिप्लेस कर दिया, टी, अब डी वी को डी टी में बना लिया, इस डी वी को यहाँ पुट करो dt की फॉर्म में, तो dt 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 क्या हो जाएगा, कैंसल, और p क्या होता है, nrt by v, तो बाकी n n n भी हो जाएगा कैंसल, और यहां से सॉल्व करके ये आंसर आ जाएगा, ये आपको ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन मिलेगा। अब कई लोग ये सोचते हैं कि यार ऐसे कैसे, यार मतलब कैसे ख्याल आएगा कि फर्स्ट लॉ लगेगा, फिर कैसे सपना आएगा कि नहीं कैलकुलस से dv dt भी करना पड़ेगा, आ जाएगा, क्योंकि जब कैलकुलस आ जाएगा तो आपको सब समझ में आएगा dv को dt में कैसे कन्वर्ट करना है, ये रोज का काम है मैथ्स वालों का कन्वर्जन करना, तो वो वहां से समझ में लेते हैं लोग, और ये समझना कि सी निकालना है और ये पॉलीट्रॉपिक नहीं है, फिर फर्स्ट लॉ ही इलाज है और कोई इलाज ही नहीं है इसका, प्रैक्टिस से जब दो तीन क्वेश्चन किए जाएंगे अपने आप आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, फर्स्ट क्वेश्चन हमेशा मुश्किल लगता है, बाकी धीरे धीरे मिलते जुलते क्वेश्चन ठीक लगने स्टार्ट हो जाएंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों के लिए ईजी क्वेश्चन आया हुआ है पॉलीट्रॉपिक का, गिवन पॉलीट्रॉपिक, चलो बोल ही दिया उसने मैं तो पॉलीट्रॉपिक लूंगा, फिर कहता है पीवी रेज़ टू पावर अल्फा इज अ कांस्टेंट, चलो इक्वेशन भी उसने दे दी, और गिवन सी की वैल्यू सीपी सीवी नहीं सी की वैल्यू 5R/4, और ये प्रोसेस, और गिवन है इसमें मोनोटॉमिक गैस गिवन है, गिवन कर लेना गैस मोनोटॉमिक है, मोनोटॉमिक का सी वी याद रखना है 3R/2, आपको अल्फा निकालना है, सिंपल है, लगाओ फॉर्मूला, सी गिवन है सीवी गिवन है, अल्फा निकालना है, आर 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 कैंसल, अल्फा आ गया, ये अच्छा है, फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट करो और अल्फा निकाल लो, अब किसी के सेट में तो आसान भी आएगा, पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है आपने अटेम्प्ट। अगला क्वेश्चन देखो, ये आपको चार ग्राफ्स दे रहा है, पीवी डायग्राम है और चार ग्राफ्स दे रहा है, एक प्रेशर का और एक वॉल्यूम का, ए बी सी डी, चार दे दिए, वो सिंपली एक ही चीज पूछ रहा है, बताओ इन चारों में से कौन एडियाबेटिक है और कौन आइसोथर्मल है, बस बहुत सिंपल है, जिसकी स्लोप ज्यादा वो एडियाबेटिक है, जिसकी स्लोप कम वो आइसोथर्मल है, शुरू करें, ए और बी में से किसकी स्लोप ज्यादा, बी की, बी टैन थीटा ज्यादा है, तो बी क्या बनेगा एडियाबेटिक, ए क्या बनेगा आइसोथर्मल, गलत आंसर है, लॉजिक ठीक लगा रहे हो, लॉजिक में गलत नहीं है, स्लोप ज्यादा है बी की, पर यहां चलेगा नहीं है लॉजिक, क्यों,
एक बात बताओ, ए प्रोसेस में अगर ध्यान से देखो, वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है और प्रेशर भी बढ़ रहा है। अगर ये आइसोथर्मल प्रोसेस होता तो वॉल्यूम बढ़ने से प्रेशर कभी बढ़ता है नहीं, प्रेशर क्या होता, कम। तो आइसोथर्मल हो ही नहीं सकता, दोनों ही नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों में वॉल्यूम भी बढ़ रहा है और प्रेशर भी बढ़ रहा है, दोनों ही आइसोथर्मल नहीं हो सकते। और एडियाबेटिक की भी सेम स्टोरी है, एडियाबेटिक के अंदर भी वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर को तो गिरना ही है, तो ऐसा हो नहीं रहा। तो ए और बी में से ना तो कोई आइसोथर्मल है और ना ही कोई एडियाबेटिक है। ध्यान से अब इधर देखते हैं, सी और डी में वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है और प्रेशर कम हो रहा है। चलो एक चीज बढ़ रही है, एक कम हो रही है, दोनों हो सकते हैं। तब क्या करेंगे, जिसकी स्लोप ज्यादा है वो क्या बनेगा, एडियाबेटिक, जिसकी स्लोप कम है वो क्या बनेगा, आंसर आंसर है। तो मेथड समझ में आया, सारे स्लोप ज्यादा एडियाबेटिक नहीं होते, देखना होता है कि वो कंडीशन भी फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा, राइट। देखो नीट में क्या बढ़िया क्वेश्चन आया, क्वेश्चन आया कि आपको ना दो सर्कल दे रहा है, एक में साइक्लिक प्रोसेस है, एक में वन नंबर में क्लॉकवाइज है और टू नंबर में एंटी क्लॉकवाइज है। नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन पॉजिटिव नेगेटिव जीरो क्या होगा, इसका वर्क डन पॉजिटिव होगा, इसका वर्क डन नेगेटिव होगा। नेगेटिव वर्क डन बढ़ा है, सर्कल बढ़ा है, एरिया बढ़ा है, तो ओवरऑल वर्क डन नेगेटिव होगा। क्वेश्चन हो तो ऐसे हो, बस बताना हो पॉजिटिव नेगेटिव, सही है, हाँ ऐसे आने चाहिए, सही है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको ये तीन कर्व्स दे रहा है, वन टू एंड थ्री, पीवी डायग्राम दे रहा है और तीन ग्राफ दे रहा है। इन ग्राफ को देखते हुए आपको ये क्वेश्चन में खुद दे रहा है, वैसे ना भी दे तो भी पता लग रहा है कि वन में प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रोसेस क्या है, आइसो बारिक, और इनमें थ्री की स्लोप बड़ी है, टू की छोटी है, तो थ्री क्या है, एडियाबेटिक, और टू क्या है, हालांकि वो दे ही रहा है कि कौन आइसोथर्मल है और कौन एडियाबेटिक है। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो देखो इसके अंदर आपको ये बताना है, आइसोबारिक, आइसोथर्मल और एडियाबेटिक में से डेल्टा यू किसका पॉजिटिव है, किसका नेगेटिव है, किसका जीरो है, ये आपको बताना है। ठीक, तो अब इसमें तो इसमें देखो रूल देखो, सबसे पहले काम करते हैं प्रोसेस नंबर वन लेते हैं, प्रोसेस नंबर वन क्या है, प्रोसेस नंबर टू लेते हैं, चलो प्रोसेस नंबर टू क्या है, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल पता है क्यों लिया, सुनते ही डेल्टा यू जीरो आंसर आ गया, आइसोथर्मल में टेम्परेचर चेंज तो होना नहीं,
तो डेल्टा यू क्या होगा, जीरो, एक आंसर। फिर दूसरा प्रोसेस क्या लिया, आइसोबारिक। आइसोबारिक में अगर गैस की इक्वेशन लिखें तो आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट है और एन आर कॉन्स्टेंट है, तो अगर मैं वॉल्यूम बढ़ाऊं, क्योंकि राइट साइड जाने पे वॉल्यूम बढ़ रहे, तो अगर मैं वॉल्यूम का इंक्रीज करूं तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो डेल्टा यू पॉजिटिव, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। नेक्स्ट है एडियाबैटिक। एडियाबैटिक प्रोसेस में फर्स्ट लॉ लगाया, डेल्टा क्यू क्या होता है एडियाबैटिक का, जीरो, तो डेल्टा यू क्या होगा, माइनस डेल्टा डब्ल्यू। अब मुझे एक बात बताओ कि एडियाबैटिक में जो एरो है इधर बनाया था मैंने, तो एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन में वर्क डन क्या है, पॉजिटिव, और अगर वर्क डन पॉजिटिव है तो डी यू क्या होगा, नेगेटिव आंसर। ठीक है यहां तक? तो ऐसे आपको ऑब्जेक्टिव में चेक करके बताना है कि कौन सा डी यू पॉजिटिव, कौन सा नेगेटिव, कौन सा जीरो। फिर से मैथमेटिकल, नॉट फॉर नीट ओनली फॉर मेंस, मेंस में भी प्रॉब्लम है फिर से। गैस इज एक्सपेंडिंग अकॉर्डिंग टू रिलेशन दिस, वी और टी का फिर से अजीब सा रिलेशन है, पॉलीट्रोपिक तो है नहीं, कुछ नहीं है, पता नहीं क्या है। आगे फाइंड वर्क डन, जब टेम्परेचर चेंज 60 केल्विन है वन मोल ऑफ अ गैस के लिए, सिंपल है वर्क डन निकालना। मुझे तो सिर्फ वर्क डन का एक ही फॉर्मूला आता है, वो क्या, पी डी वी की इंटीग्रेशन, और पी की वैल्यू मैं क्या पुट कर सकता हूँ वन मोल के लिए, आर टी बाई वी। अब मुझे इंटीग्रेशन तो करनी पड़ेगी। V की वैल्यू मैं क्या पुट कर सकता हूं, के टी रेस टू पावर 2/3। अब मैं सोच रहा हूं बात बन गई, कैसे बात बन गई, सब कुछ टेम्परेचर में चलना शुरू हो जाएगा। एक प्रॉब्लम है, इधर से टेम्परेचर चलेगा, इधर से क्या बच गया, dV, ये तो बात ही नहीं बनी, क्योंकि या तो सब कुछ V V V में चले या सब कुछ T T T में चले, ये तो नहीं हो सकता कि आधी टर्म वेरिएबल टेम्परेचर में और कैलकुलस की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम है, इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा dT में। और अब आपको इतना हिंट मिल चुका है, डीवी को डीटी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आप इस इक्वेशन को लिख लें, दोनों तरफ डी बाई डी टी डी बाई डी टी, तो ऑटोमेटिकली डीवी बाई डी टी आ गया, के बाहर आ गया, पावर नीचे एक पावर कम, इंटू डी टी बाई डी टी इज वन, क्रॉस मल्टीप्लाई करके डीवी आ गया इन टर्म्स ऑफ डी टी। इस डीवी को यहां पुट कर दें और इस वी को यहां पुट कर दें, सब कुछ टेम्परेचर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो टी वन से टी टू, तो 1 dt की इंटीग्रेशन t2 माइनस t1, और चेंज इन टेम्परेचर क्वेश्चन में 60 केल्विन गिवन है, तो वर्क डन कितना आएगा 40 R, ये फिर भी इजी है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है मेडिकल नॉन मेडिकल के लिए, ऐसा ना सोचे कि एबनॉर्मल क्वेश्चन है, सही है, कुछ भी तो नहीं करना, थोड़ा सा कैलकुलस यूज करके dv को dt में कन्वर्ट कर देना है बस। अभी अजीब लग रहा होगा लेकिन जब कैलकुलस कर लेंगे फिर आपको नॉर्मल लगेगा, क्योंकि वहां रोज का यही काम है कन्वर्जन करने का, मैथ्स में ये कन्वर्जन होती रहती है कैलकुलस में, डी एक्स को डी वाई में, डी वाई को डी एक्स में, तो ये रूटीन काम है, तो इसलिए उनको ये फर्क नहीं पड़ता, मेन कॉन्सेप्ट यही है जो मैंने किया है इसमें, राइट, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फॉर अ मोनोटॉमिक गैस वर्क डन एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज W. किसी भी मोनोटॉमिक गैस का जब मैंने वर्क डन किया तो वर्क डन W आता है. अब वो कह रहा है कि आपको हीट बताओ कितनी देनी पड़ी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, यानी कि CVdT बताना है, और फॉर सेम राइज इन टेम्परेचर वन मोल गैस के लिए. मतलब जब मैंने कॉन्स्टेंट प्रेशर पे काम किया तो W, जब मैं कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे करूंगा तो कितना काम मुझे करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन है. मेथड वन बहुत लंबा है. आप सिर्फ ये बताओ कि जब आप कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे काम करेंगे उससे होगा क्या. देयर विल बी चेंज इन इंटरनल एनर्जी DU, बट DU में फर्क पड़ेगा. अगर मैं DU बता दूं तो ही मेरा आंसर है इसमें, क्योंकि कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे तो DU निकालना होता है. NCVdT निकालने का मतलब कि DU निकालना, तो मैं DU निकाल देता हूँ. कौन सी गैस है, मोनोटॉमिक, तो इसको छोड़ दो. लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी किया था. लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी बोलता है कि किसी भी इंस्टेंट पर गैस की जो एनर्जी होती है यू, वो NFRT/2 होती है, और नंबर ऑफ मोल कितने हैं 1, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है मोनोटॉमिक की 3, तो ये इंटरनल एनर्जी आ गई. पर मेरे को इसमें क्या निकालना है, वर्क डन. एक काम करते हैं, नहीं हमने इंटरनल एनर्जी DU ही निकालनी है रादर, सॉरी. तो U मैंने निकाल दिया, मुझे U नहीं चाहिए, मेरे को DU चाहिए. तो U और T का रिलेशन आ गया. एक काम करो, अगर ये स्मॉल चेंज है DU, तो स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर कितना है DT. तो मुझे पता है DU की ये वैल्यू आ गई. अब ये बताओ कि जो वर्क डन होता है वो होता है क्या, PdV, और PV क्या होता है RT. तो मुझे बताओ कि अगर मैं ये स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम लूं तो ये स्मॉल चेंज इन क्या जाएगा, टेम्परेचर. तो PdV की जगह हम क्या लिख सकते हैं, RdT. तो PdV और RdT का मतलब क्या होता है, वर्क डन. तो W पुट कर दो, आंसर 3/2 W. ये ज्यादा इजी है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, CV का कॉन्सेप्ट है, कांस्टेंट प्रेशर पे एक्सपेंशन हो रहा है. कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब है पिस्टन नहीं मूव करने देना. तो इंटरनल एनर्जी जो इंक्रीज होगी ना, तभी तो वो DW नहीं पूछ रहा, DW जीरो होगा, DU तो होगा, DU पूछ रहा है तभी. तो जो हीट हमने दी वो DU की फॉर्म में गई, DW की फॉर्म में नहीं गई. ठीक है यहां तक. तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये करते हैं, मेंस में ही प्रॉब्लम है वैसे ये, तो मेडिकल वाले आधा देखेंगे, आधा कैलकुलस वाला पार्ट चाहे नहीं भी करेंगे चलेगा, पर आधा वाला पार्ट देखना पड़ेगा इसका.
ये एक क्वेश्चन की खास बात है, ध्यान से देख लो। खास बात ये है कि प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ दे रहा है वो आपको, दे दिया, ऑर्डिनेट्स भी दे रहा है इनिशियल फाइनल, लेकिन बात किसकी कर रहा है? टेम्परेचर की। अरे ग्राफ में कुछ मेंशन तो हो टेम्परेचर के बारे में, कुछ भी मेंशन नहीं है। तो पी और वी का कंटेंट देता है, पूछता टी पे है। कभी भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाए तो आपको हमेशा लाइन की इक्वेशन बनानी पड़ेगी, मैथ्स लगाना पड़ेगा। और मैथ्स में जो मेडिकल के लोग हैं स्पेशली वो देख लें, दो कोऑर्डिनेट्स गिवन है बी का और ए का, अपने मन में मान लें ये एक्स वन वाई वन है और ये एक्स टू वाई टू है। उल्टा भी मान सकते हैं, कोई भी एक्स वन वाई वन, कोई भी एक्स टू वाई टू। और लाइन की ये इक्वेशन याद रखें, वाई एक्सिस में कौन है पी, एक्स एक्सिस में कौन है वी, और एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू गिवन है। पुट कर देना, पुट करके ये टर्म आएगी, सॉल्व करके ये टर्म आएगी, सॉल्व करके यहां पर आ जाएगा। तो आपने लाइन की इक्वेशन से प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन निकाला, मतलब इन स्टेट की वो आपको इक्वेशन दे किसी भी प्रोसेस की, आपको लाइन की ग्राफ, लाइन का ग्राफ दे रहा है, उस लाइन की इक्वेशन को देखते देख के आपने पी का एक्सप्रेशन निकाला इन टर्म्स ऑफ वी। ये इक्वेशन है गैस की, हो गया यहां तक। अब प्रेशर वॉल्यूम कैसे चेंज हो रहा है बना दिया, अब बात तो टेम्परेचर की करनी थी। तो गैस के लिए पी वी इक्वल टू एन आर टी, पी इज इक्वल टू एन आर टी बाई वी, इस पी को यहां पर रिप्लेस करके एन आर टी बाई वी सिंप्लीफाई करके देखो, ये एन आर बाई वी राइट साइड पे चला गया तो टी आ गया, टेम्परेचर ले आया मैं प्रेशर को चेंज करके। समझ में आया क्या करना है? तो कभी भी बात अगर वो पी और वी की करे तो लाइन की इक्वेशन बनाना, पी को रिप्लेस करना पी वी इक्वल टू एन आर टी से, पी को रिप्लेस करके ऑटोमेटिकली टेम्परेचर आ जाएगा। तो ये एक बेसिक स्टेप है कि जो आपको कई बार मैं यूज करता हुआ दिखाई दूंगा कि भाई पी और वी में बात हो रही है, बात टेम्परेचर की है, तो कैसे कन्वर्ट करना है, ये टेक्निक है। तो ये टेम्परेचर आ गया, मेडिकल का काम तो यहाँ खत्म हो गया, नॉन मेडिकल वालों को आया हुआ है टेम्परेचर ना निकालो, मैक्सिमम टेम्परेचर निकालो। अब मैथ्स में प्लस टू में कैलकुलस यूज होगा, मैक्सिमम मिनिमा तो उनके लिए बड़ी चीज़ नहीं है ये। तो वो क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल, वेरिएबल इसमें सिर्फ वॉल्यूम है और इक्वल टू जीरो। किसी भी चीज़ को मैक्सिमम करना है उसको डिफ्रेंशिएट करके इक्वल टू जीरो, तो इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये आप कैलकुलस में सीखेंगे, डिफ्रेंशिएट करके वी आ जाएगा। तो इतने वॉल्यूम पर टेम्परेचर मैक्सिमम होगा, इस वॉल्यूम को उठा के यहाँ पे और यहाँ पे पुट कर देना, ऑटोमेटिकली मैक्सिमम टेम्परेचर की वैल्यू आ जाएगी। ये मेंस की आई हुई प्रॉब्लम है वैसे, और सबसे पहले एडवांस में आई थी, कभी उन्हें उठा के मेंस में डाल दी। पर आजकल पेपर इतना टफ नहीं है, नॉर्मल है, पर क्योंकि ये पुराने पेपर में मिलेगा आपको, और ये टेक्निक भी इंपॉर्टेंट है। देखो कहीं ना कहीं अगर छोटा क्वेश्चन आ जाता है, सिर्फ टेम्परेचर निकालने को ही आ जाता है चलो, तो आपको कम से कम पता तो होगा कि पी और वी से टी कैसे बाहर निकालना है। ठीक है, ये दो बार आया हुआ क्वेश्चन है मेंस का, और ये नीट में भी आ सकता है, बड़ी बात नहीं है। और ये हमने किया नहीं हुआ ऐसा क्वेश्चन, थ्योरी में भी नहीं किया। तो आपको एक हीलियम गैस वो दे रहा है, आपको हीलियम गैस एक साइक्लिक प्रोसेस अंडरगो कर रहा है, आपको इस साइकिल की एफिशिएंसी निकालनी है। देखो एफिशिएंसी हमने साइकिल की नहीं, हमने ये तो किया कि साइक्लिक प्रोसेस का नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होता है, आप बोलेंगे इसके अंदर का एरिया, पर आपको आपने ये नहीं किया व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एफिशिएंसी क्या होती है। तो नोट करें, एफिशिएंसी वैसे होती क्या, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, आउटपुट में साइकिल का क्या निकलेगा वर्क डन, और इनपुट में वो वर्क डन करने के लिए हमसे क्या लेगा हीट, तो इसलिए हीट सप्लाई टू द गैस। हीट सप्लाइड टू द गैस का मतलब क्यू पॉजिटिव, क्योंकि क्यू नेगेटिव का मतलब रिजेक्शन है, हीट रिजेक्टेड है, क्यू पॉजिटिव का मतलब हीट सिस्टम में गई, वो इनपुट हीट है जिससे कि वर्क डन किया जा रहा है। तो ये फॉर्मूला आप डाल सकते हैं बॉक्स में एफिशिएंसी का, तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क डन, आउटपुट वर्क डन जो भी होगा, डिवाइडेड बाई क्या होगा इसमें क्यू पॉजिटिव। पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक है यहां तक। अब वर्क डन निकालना तो एक लाइन का काम है, इसके अंडर एरिया निकाल दो, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो पी नॉट वी नॉट आ गया, न्यूमिनेटर तो आ गया। अब मुझे क्या निकालनी है, हीट सप्लाइड। हीट सप्लाइड इस चारों लाइंस में, जैसे ए से लेके बी, बी सी, सी डी और डी ए में कहां कहां हीट सप्लाई हो रही है। देखो अगर डी से ए की बात करता हूं तो वॉल्यूम कंप्रेस हो रहा है, जब वॉल्यूम कंप्रेस होता है तो हीट तो सिस्टम से बाहर निकलती है, तो ये डी से ए तो हीट सप्लाइड का केस नहीं हो सकता। कैसे होगा, नहीं होगा, राइट, क्लियर है। जब सी से डी प्रेशर गिर रहा है तब भी हीट सप्लाई नहीं हो सकता,
हीट सप्लाई दो केस में होता है, ऐसे केस में याद रखना, एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे, याद है सीपीसीवी, हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ऐसे केस में दो जगह हीट सप्लाइड होती है, एक एबी में हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम और एक बीसी में हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर। तो आप इसमें डी क्यू निकाल दें, वो आपका हीट सप्लाइड होगा, ऐड कर देना डिनोमिनेटर में, पुट करके आंसर आ जाएगा। तो शुरू करें, तो कैसे हीट निकलेगी, तो पहले काम करते हैं ए बी की बात करते हैं। ए बी में एक बात बताओ, वॉल्यूम कितना चल रहा है, वी नॉट विच इज कॉन्स्टेंट, और प्रेशर पी नॉट से 2P0। तो ए बी में हीट सप्लाइड का फॉर्मूला एन सी वी डी टी, क्योंकि वॉल्यूम क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो सी वी की जगह हीलियम गैस के लिए 3/2 R है और इनटू डीटी। एक काम करना, साइड पे पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, क्योंकि प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो इसमें प्रेशर चेंज हो रहा है डीपी, वॉल्यूम नहीं चेंज हो रहा, तो प्रेशर चेंज होने से टेम्परेचर चेंज हो रहा है डीटी। तो एन आर डी टी को क्या रिप्लेस कर सकते हो, वी डीपी। तो यहां पर क्या पुट कर दिया, वी डीपी। अब ये प्रोसेस कितने वॉल्यूम पे हो रहा है, वी नॉट, और वॉल्यूम डीपी कितना है, 2P0 - P0। तो देखो इसमें मैंने वॉल्यूम की जगह यहां पे वी नॉट आएगा, वी की जगह यहां पर आएगा वी नॉट, तो वॉल्यूम कितना है यहां पर, वी नॉट, और प्रेशर का चेंज कितना है, 2P0 - P0। ये आपके पास हीट सप्लाइड आ गई, एक आंसर आ गया। फिर सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे किस में, बीसी पर, इस बार कांस्टेंट प्रेशर पे, कांस्टेंट प्रेशर कितना है, 2P0, और वॉल्यूम चेंज कितना हो रहा है, 2V0 - V0। ये देखो कांस्टेंट प्रेशर 2P0 है, तो यहां पर क्या लगेगा, सी पी लगेगा। तो सीपी की वैल्यू हीलियम के लिए 5/2 R है और डीटी। फिर से गैस की इक्वेशन, इस बार प्रेशर कांस्टेंट है, तो इस बार प्रेशर को ऐसे रखो, स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम डीवी, तो ये क्या होगा, डीटी। तो एन आर डी टी की जगह क्या पुट करेंगे, पीडीवी, पीडीवी। प्रेशर क्या चल रहा है, 2P0, और वॉल्यूम चेंज कितना था, 2V0 - V0। तो सॉल्व करके आंसर आ गया। फिर हीट सप्लाइड में ऐड कर दो डिनोमिनेटर में आंसर, ये एक्सपेक्ट करते हैं कि स्टूडेंट कर लेगा। अब कैसे कर लेते हैं मैं बताता हूं, आप प्रीवियस ईयर पेपर खोलना, आपको ये क्वेश्चन दिखेगा। चलो आपने प्रीवियस ईयर पेपर मेरे कहने पे कर लिए, सॉल्व भी कर लिया, आपको ये क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट ईयर मेंस में फिर ये क्वेश्चन आया, क्वेश्चन आया, फिर से सेम प्रोसेस है, गैस मोनोटॉमिक गिवन है, फिर से सेम, हीलियम भी मोनोटॉमिक थी। अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सोर्स इन अ सिंगल साइकिल, अब एक सोर्स है जहां से हीट उठाई जा रही है और वो हीट गैस को दी जा रही है और गैस साइक्लिक प्रोसेस में है। तो वो कह रहा है कि अमाउंट ऑफ हीट सोर्स से हमने कितनी निकाली ये बताओ। तो मैंने जितनी हीट गैस को दी उतनी ही मैंने सोर्स से निकाली, और गैस को कितनी हीट दी, क्यू पॉजिटिव, क्यू पॉजिटिव क्या था इसमें और इसमें, हमने भी सॉल्व किया था, सॉल्व करके क्या आया था, यही आया था ना, 13/2 P0 V0, अभी डिनोमिनेटर में ऊपर चेक कर लो, ऐड करके ये आया था 13, ऐड करके ये आया था, चलो ये ले लो, एक ही बात है, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि हमने ये हीट, उसने ये नहीं पूछा कि गैस को कितनी हीट मिली, अगर ये हीट मिली होती गैस को, अगर क्वेश्चन ऐसा होता कि अमाउंट ऑफ गैस गिवन, अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू अ गैस, फिर तो पॉजिटिव हीट होती। उसने कहा सोर्स में से कितनी निकाली, यार सोर्स तो कह रहा है मेरा लॉस हो गया, तो सोर्स के लिए हीट का साइन क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि क्वेश्चन गैस के विद रिस्पेक्ट टू नहीं है, क्वेश्चन सोर्स के विद रिस्पेक्ट टू है। तो गैस को कितना गेन हुआ उतना ही लॉस सोर्स का हुआ, और वो सोर्स का लॉस पूछ रहे, आंसर नेगेटिव है, क्वेश्चन सेम है, थोड़ा सा चेंज कर दिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखें, पी और वी का ग्राफ है, T1 T2 टेम्परेचर है, T1 T2 टेम्परेचर है। आपको यह बताना है इस ग्राफ को देखते हुए
टी वन बड़ा है या टी टू बड़ा है, ठीक। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, तो टेम्परेचर क्या है, पी वी बाई एन आर, तो एन और आर तो कॉन्स्टेंट है, तो टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, पी वी। एक बात बताओ कि अगर एक लाइन यहां पे ड्रॉ कर लूं, तो इस लाइन के लिए ये वॉल्यूम वी, और वी क्या है, कॉन्स्टेंट। इसका प्रेशर बड़ा है, इसका प्रेशर छोटा है, तो इसका पी इंटू वी बड़ा है और इसका पी इंटू वी छोटा है, राइट। तो इसका पी इंटू वी बड़ा है तो इसका टेम्परेचर बड़ा है, तो यानी कि टी टू इज ग्रेटर देन टी वन, आंसर। ठीक है, यहां तक मिलता जुलता क्वेश्चन फिर आ गया। ये देखो, एम वन एम टू गैस के मासेज हैं, पी वी डायग्राम है, आपको ये बताना है कि एम वन बड़ा है या एम टू बड़ा है, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है। फिर से एक बार, पी वी इक्वल टू एन आर टी, और एन नंबर ऑफ मोल, स्मॉल एम बाई कैपिटल एम, तो स्मॉल एम गैस का मास आ गया। अब गैस दोनों एक किस्म की है, तो कैपिटल एम आर टी सब कॉन्स्टेंट है, तो स्मॉल एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गेन पी वी, सेम कॉन्सेप्ट है। तो एक लाइन खींचेंगे, तो पी वी का प्रोडक्ट इसका बड़ा आएगा, इसका छोटा आएगा, तो एम टू ग्रेटर देन एम वन। ठीक है, यहाँ तक सेम रूल है इसका भी, क्योंकि पी वी की वैल्यू, पी इंटू वी की वैल्यू ऊपर वाले कर्व की हमेशा ज्यादा आएगी कॉरस्पॉन्डिंग टू उसके नीचे वाला पॉइंट। ये लो, फिर से आपको क्या ग्राफ गिवन है, पी और टी का ग्राफ गिवन है, ध्यान से, पी टी ग्राफ गिवन है। और आपको ये बताना है इस ग्राफ को देखते हुए कि वॉल्यूम के बारे में क्या कहते हो, जब प्रोसेस ए से बी जा रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। अब समस्या क्या है, ग्राफ है पी टी, पूछ क्या रहा है, वी, तो क्या बनानी पड़ेगी, लाइन की इक्वेशन, ताकि हम टी या पी में से इसको रिप्लेस करके क्या ले आए, वी ले आए। तो लाइन की इक्वेशन बनाओ पहले। तो लाइन की इक्वेशन कैसे बनेगी, इट्स अ स्ट्रेट लाइन, तो अप्लाई करो वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो वाई एक्सिस में कौन है प्रेशर, एक्स में कौन है टेम्परेचर, बाकी सब कॉन्स्टेंट्स हैं। तो मान लो ये लाइन की इक्वेशन बना दी, ए एंड बी कॉन्स्टेंट कुछ भी टर्म रख दिया, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, टेम्परेचर से डिवाइड कर दिया। अब किसी भी गैस के लिए पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, तो यहां से वॉल्यूम क्या होगा, एन आर टी टी बाई पी। तो अगर मैं आपको ये बता दूं कि ए से बी जाने पे टी बाई पी की रेशियो बढ़ रही है, अब बोल देना वॉल्यूम बढ़ रहा है, और अगर कम हो रही है बोल देना वॉल्यूम कम हो रहा है। अब मुझे एक चीज बताओ कि यहां से जब आप ग्राफ राइट की तरफ लेके जा रहे हो, तो आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है, ए से बी में टेम्परेचर बढ़ रहा है। अगर टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो ये वाली फ्रैक्शन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अगर ये टर्म डिक्रीज हो रही है, तो पी बाई टी भी डिक्रीज हो रहा है। अगर ये रेशियो डिक्रीज हो रही है, तो टी बाई पी उल्टा रेसिप्रोकल इंक्रीज हो रहा है, और अगर ये इंक्रीज हो रहा है, तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो आंसर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो मैथमेटिकली कैसे इक्वेशंस यूज करनी है समझ में आ रहा है, प्रैक्टिस से होएगा वैसे सारा कुछ है। तो लेकिन ये पॉइंट समझ में आया कि जब पी और टी की बात कर रहे हैं और बात वी की करेगा, तो लाइन की इक्वेशन ही आपको बनानी पड़ेगी। ठीक है, यहां तक